भारत न्यूज के मंथन में आज सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम कर्नाटक के इलेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज जो नतीजे सामने आए हैं, भाजपा 104 जगह पे जीत हासिल कर चुकी है, कांग्रेस 78 और जीडीएस 38 जगह पे जीत हासिल कर चुकी है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है राजू परूकर जी और विश्वास देवकर जी। सबसे पहले मैं राजू जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नतीजे आए हुए आप कैसे देखते हो इन नतीजों को? पूरा बहुमत तो दोनों को नहीं मिला, ना ही कांग्रेस को मिला और ना बीजेपी भाजपा को मिला। जैसे कि पहले नतीजों के बारे में कहा गया था एग्जिट पोल में कि किसी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, तो किसी को पूरा बहुमत नहीं मिला। हाँ, हालांकि भारतीय जनता पक्ष पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली है, 104 कुछ कम सीटें नहीं हैं कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का दरवाज़ा खुल गया है। लेकिन दूसरी बात उसमें यह है कि अभी जो पूरी कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट यानी नतीजे आने के बाद जो हुआ है, वो जेडीएस जनता दल सेक्युलर के साथ कांग्रेस गठबंधन करके जनता दल सेक्युलर को, हालांकि उनकी एक सीटें कम है, सबसे कम है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री करना चाहती है, यानी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद की ऑफर कांग्रेस ने दी है, जाके वो सपोर्ट करेंगे। उनकी दोनों के मिलके 78 और 38 बहुत ज़्यादा सीटें हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत में है, पूरी तरह से बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा नंबर उनके आए हैं, तो राज्यपाल हमेशा उनको पहले बुलाएंगे और उनकी सुनेंगे। हो सकता है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और संवैधानिक जिम्मेदारी अगर राज्यपाल की कोई है तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना, तो भारतीय जनता पार्टी को बुलाया जाएगा और फिर चर्चा होगी। और अगर ये साबित कर सके भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 8 दिन उसके ले लिए हैं कि 104 से लेके हम पूरे बहुमत में यानी फ्लोर पे पूरा बहुमत सिद्ध करेंगे, तो राज्यपाल येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता खोल देंगे। विश्वास जी, इस नतीजे के बाद जो जवाब मिलने चाहिए थे उसके जगह नए सवाल खड़े हुए हैं कि कौन के कर्नाटक में सत्ता हासिल करेगा। जिस तरह से अभी रुझान और जो नतीजे सामने आए हैं, क्या लगता है आपको आगे के राजकीय दांवपेच क्या होंगे? देखिए, राजनीति और उसकी सरगर्मियाँ, इसका अगर हम इतिहास देखते हैं तो सालों से सदियों से इस देश में हर वक्त जो हो रहा है ना, हुआ है ना, वही अब हम महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ HD देवेगौड़ा के दिनों में जो हुआ था इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि किन्होंने भी, यानी कि आम आदमी जिसको हम बोलते हैं, उसने भी ये महसूस भी नहीं किया था कि इस देश के HD देवेगौड़ा पंतप्रधान हो सकते हैं, लेकिन वो हो गए थे और वो इतिहास कांग्रेस ने बनाया है। ये कांग्रेस की एक जो हम बोलते हैं नीति है, इस नीति को आज कांग्रेस ने दोहराने का प्रयास आज दोपहर से किया। जो हुआ है, चुनाव के नतीजे जब कर्नाटक में हमने देखे दोपहर के बाद, विशेषता जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के उभर आई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने जो सपना देखा है, जो इन दिनों में हर शख्स के संदर्भ में और हर वक्त कांग्रेस देखना चाहती है, वो चाहत रख कर के आगे जाना चाहती है, आज कांग्रेस ने जो प्रस्ताव दिया, विशेषता HD देवेगौड़ा के पार्टी को, जनता दल धर्मनिरपेक्ष को, हम आपको मुख्यमंत्री पद देंगे, ये प्रस्ताव हमारा है, आप अपना मुख्यमंत्री कीजिए, लेकिन हम भाजपा को रोकना चाहते हैं। ये कांग्रेस की जो राजनीति है, जो दूसरी बार विशेषता कांग्रेस के कर्नाटक के संदर्भ में सामने आई हुई है। लेकिन आप देखिए संदीप जी, ये इस वक्त होने की संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि HD देवेगौड़ा के दिनों में जो हुआ था उस वक्त केंद्र में कांग्रेस का एक प्रभाव सा था, वो प्रभाव आज कांग्रेस का ना दिल्ली में रहा है, ना कोई राज्यों में रहा है। 2-3 राज्य सिर्फ ऐसे रहे हैं जहां कांग्रेस को आज के दिनों में मानो सारा कसब, मानो सारी उनकी शक्ति जो है वो आज दांव पे लगी हुई है, और वही दांव आज हारने के बाद भी कांग्रेस जीतना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि चलो हम सत्ता स्थापन करना चाहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी आप बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि भाजपा के जो नेतागण है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके क्लेम किया है
कि हम अगर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के उभरते आए हुए हैं तो हम क्लेम करना चाहते हैं, और जो संकेत है हमारी व्यवस्था के संदर्भ में उसका मानो आदर करते हुए शायद राज्यपाल भाजपा को ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी संधि दे सकते हैं जो कि उन्होंने गोवा में नहीं दी थी। गोवा में जो हुआ है और मणिपुर में जो हुआ है उसका जिक्र मैं यहाँ इस क्षण जरूर करना चाहता हूँ। वहाँ जो हुआ था वो अलग था, वहाँ भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिली थी कि जो वो क्लेम कर सके, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने वहाँ अपनी सत्ता ला करके दिखाया हुआ है। और यहाँ तो माहौल ऐसा है कि भाजपा की सीटें ज़्यादा है, तो जिनकी केंद्र में सत्ता उनकी राज्य में सत्ता होने का जो संभव है, उस संभावना और उस शक्यताओं का जो हम परिणाम स्वरूप देख रहे हैं, शायद वो कर्नाटक में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। भाजपा ने इसके लिए 8 दिनों की मोहलत मांगी भी है और राज्यपाल उनको ये मोहलत जरूर दे सकते हैं। संदीप राजू जी, अभी कर्नाटक के इस इलेक्शन के नतीजे तो सबके सामने, लेकिन कर्नाटक की जनता को अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा। आप हमें बताइए कि कौन जीता और कौन हारा है। देखिए, ऐसा है कि अगर जीत और हार की तुलना की जाती है तो परसेंट ऑफ वोट जो देखा जाते हैं तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक ही, यानी ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा कांग्रेस के ही होंगे। दूसरी बात यह कि भाजपा के बगैर जो पार्टियां लड़ी है दो बड़ी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, तो उन दोनों को मिलाकर ज़्यादा सीट्स आई हैं। परसेंट ऑफ वोट 50 से ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के परसेंट ऑफ वोट 37.5 कुछ है, यानी 37.5 हैं और इनके 50 से ज़्यादा है। तो आप ही तय कीजिए कि कौन जीता है और कौन हारा है इस चुनाव में। यानी अगर हम लोग अगर परसेंट ऑफ वोट की हिसाब से अगर चुनाव तय करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन खैर उससे हम जाते नहीं हैं क्योंकि जो अभी जीत हार के बाद ये सब तुलना करना गलत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी तो मिली है, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली है कि उससे, उसके प्रभाव से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से नाच रहे हैं, इतनी कामयाबी कर्नाटक में तो नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी को जो यूपी में मिली थी। यहाँ बहुमत भी नहीं हासिल हुआ है और परसेंट ऑफ वोट भी कुछ बहुत बड़े हैं लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो बात यह है, और जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर तो बहुत आगे हैं उनसे, तो इतना नाचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी बातें खुल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने चुनते वक्त बहुत सोचा है और चुना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुना तो है लेकिन बहुमत भी नहीं दिया है, कांग्रेस को चुना नहीं है लेकिन जेडीएस के बाद बहुमत दिया, जेडीएस के साथ जाए तो बहुमत दिया है। तो इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह लोग झुके हुए हैं और किस तरह झुके नहीं हैं। पूरे कर्नाटक का अगर आप नक्शा लेते हैं और आप पूरा कर्नाटक एक रंग से रंगते हैं तो जेडीएस और कांग्रेस, अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी माने और ये हिंदुत्ववादी पार्टी माने, तो आप कलर करके देखिए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किसको लोगों ने ज़्यादा वोट दिया और किसको नहीं दिया है, किस विचार को ज़्यादा वोट दिया और किस विचार को नहीं दिया। हालांकि वो विचार का जो, देखिए भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है और ये धर्मनिरपेक्ष है, ये भी वो कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं, वरना उसका पालन करना उनके हाथ से होता है या ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स, ये हम नहीं कहते हैं। बस इतनी बात है कि लोगों के सामने इन्होंने छवि ये रखी, इन्होंने ये रखी, तो लोगों ने किस रंग को किस रंग से रंगा है वो आप देखिए। अंततः जो जीता जाता है वही सिकंदर कहलाता है। विश्वास सर, ये कहा जाता है कि कांग्रेस से 5 से लेके 7 आमदार जो है वो भाजपा के संपर्क में है और वो शायद रिज़ाइन कर दे ताकि जो कॉन्फिडेंस वोट है वो उसका परसेंटेज कम हो जाए और भाजपा को सरकार बनाना आसान हो जाए। आपको गोवा के मॉडल, गोवा में ये मॉडल सक्सेस हुआ था, गोवा में इस तरह का प्रयोग सक्सेसफुली बीजेपी ने किया था, तो कर्नाटक में इसकी संभावना आपको दिखती है? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी के में संपर्क में ये आमदार है। देखिए, बीजेपी सिकंदर बनना चाहती ही है और सारे देश में बनना चाहती है।
आज तक का अगर जब हम इतिहास देखते हैं, मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ, भाजपा जिस तरीके से उभरते आए हुए आगे जा रहे हैं और विशेषतः दक्षिण राज्यों में भाजपा की जो चाहत है, उस चाहत का आरंभ आज कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा है। वो अपने बलबूते पर, जिसको हम सेल्फ सफिशिएंट बोल सकते हैं, अपने बलबूते पे सत्ता पा लेना, इसमें इतना प्रशंसनीय यश तो भाजपा को नहीं मिला, फिर भी 104 ये जो सीटें उन्होंने पाई है, मानो भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण का द्वार अपने लिए खुला है और वो आगे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहत जो उनके मन में थी, उसका तो यश उन्होंने पा लिया है, ऐसा हम मान सकते हैं। संदीप, विश्वास जी कह रहे हैं कि एक द्वार तो खुला है, लेकिन राजू जी जो जीता वही सिकंदर, अगर यही बात सही माने तो सुबह तक मीन्स रुझान आने से पहले को कुमार स्वामी को किंग मेकर कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे रुझान आते गए, नतीजे सामने आते गए, अंततः शाम तक किंग मेकर ही खुद किंग बनने के कगार पे है। कुमार स्वामी के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, उनके पास 38 विधायक हैं और उन्होंने पहले कहा था, चुनाव से पहले कहा था कि मैं किंग मेकर नहीं, मैं किंग बनूंगा। तो अगर उन ये कांग्रेस के सपोर्ट की, कांग्रेस अगर उनको पूरी तरह से अपने दलगत राजनीति से दूर होकर उनको सपोर्ट दे रही है और उनको कह रही है कि आप मुख्यमंत्री बनो, अगर ये बात सच हो जाती है तो उनके पहले का कहना साबित हो जाता है, सच साबित हो जाता है। लेकिन हालांकि उनके पास जो विधायक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तोड़ फोड़ की राजनीति जो है कि किस विधायक को तोड़ना या किसी विधायक को उस दल से इस दल में आयाराम गयाराम करना और करने पर बाध्य करना, तो ये बात अगर करती हैं कोई पार्टी तो फिर वो जीत नहीं है, फिर वो राजनीति भी नहीं है, वो कुछ और है और उसके ऊपर मैं जाता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर, यानी पूरी तरह से साफ सुथरे ढंग से अगर राजनीति की परिभाषा में और परिप्रेक्ष्य में अगर हुआ किया जाए, सारी बातें की जाती हैं और राज्यपाल अगर पहले मौका देते हैं और एक भी विधायक टूटता नहीं है और फिर उनको दोनों को सत्ता बनाने के लिए मौका देते हैं, तो फिर वो कुमार स्वामी की बात सच हो जाएगी। और ये राजनीति है तो वन डे जैसा होता है कि सुबह आप देखना शुरू करो तो आपको लगता है कि कोई जीत रहा है, शाम तक कोई और ही जीत के चला जाता है। तो वन डे क्रिकेट की तरह ये हुआ है और ये और पेच हुआ है, ये टाई हो गया है पूरी तरह से, तो और ये टाई फीस हो गया। आप पता नहीं 8 दिन के बाद आपको कई विधायक वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन वो राजनीति नहीं होगी, वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो कुछ और है और उस पर हम जाते नहीं है, क्योंकि हम अपनी अपनी संविधान, जो अपना जो संविधान है, उसके दायरे में रहकर काम करना जानते हैं। विश्वास जी, आखिरी सवाल आपसे, जो राजू जी ने कहा वो अगर ध्यान में रखे, फिर भी जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं, तो जो राजू जी ने कहा है कि फ्री एंड फेयर का उन्होंने जो जिक्र किया, आपको लगता है कि भारत के राजनीति में फ्री एंड फेयर के लिए कुछ जगह है जहाँ तक राजनीति का सवाल है? देखिए, देश भारत की राजनीति आज जिस मोड़ पे आई है, जो कांग्रेस ने शुरू किया था वो भाजपा आगे लेकर के चल रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। सत्ता तुराणाम ना भयम न लज्जा, ये जो कहा जाता है भारत के संदर्भ में, ये कल तक कांग्रेस कर रही थी, आज भाजपा कर रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। जो आपने कहा सही कहा सर, लेकिन आखिरकार ये कहा जाता है जो जीतता है वो सिकंदर है। अब ये सिकंदर कुमार स्वामी है, येडियुरप्पा है या कोई और है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए।